हमारे बिहार का अगर बात करें उप स्वास्थ्य केंद्र का, तो कहीं भी सुचारू रूप से सही से नहीं चल रहा है। हमारे कटिहार जिला के बरारी प्रखंड के मरघिया गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र 2500 साल से बना पड़ा है और बंद है। क्या समस्या है? बहुत दिक्कत है, बाल बच्चा हो नहीं, यहाँ कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, कोई हॉस्पिटल उस्पिटल नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा के जाके रास्ता नहीं है। यहाँ बोला प्राइवेट डॉक्टर तब सुइया दवा कराए वही पैसा लगे 4-5 हज़ार लगे। अब मरद मानस नहीं है, खटे जेतें खटी के तब नहीं देते हैं। ऐसा कि हॉस्पिटल का मम रहे तो जाए तो हॉस्पिटल में हो जाए, वहाँ हमारा कुछ मिलबो करते 1400-1500 जो मिलते वो हम छुबे लेकर हॉस्पिटल तो मिलते कौन से। तो क्या आप घर में ही प्रसव करवाते हैं? घर में चार गो ले अभी तक नहीं तो हो गया छे, फिर आप मां बनने वाले हैं? हमार मरिए के बच्चे क्यों क्यों गाड़ी झगड़ा नहीं करता है, समस्या खराब है कि नहीं, इधर से नहीं उधर से तुम्हें जानता। प्रसव घर में ही करवाएं? हां घर में ही करवाएं। क्यों नहीं गए? अस्पताल कितने दूर है? खूब दूर है। कितने दूर है? 10 किलोमीटर। तो क्या सभी महिला यहाँ प्रसव करवाती है कि अस्पताल? सब घर ही। घर में ही? बाहर कोई नहीं, गाड़ी छकड़ा नहीं चलता है, बाहर कैसे जाए। तो आपका बच्चा डेट कर गया? डेट कर गया। क्या अस्पताल रहता तो आप जाते? जाते नहीं थे। मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र जल्द से जल्द खुले, ताकि सभी गर्भवती महिला को लाभ मिल सके, सही से ये प्रसव हो सके। तो मैं वीडियो देखने वाले दर्शकगण से अपील करती हूँ कि यहाँ के स्वास्थ्य चिकित्सक पदाधिकारी का नंबर है 94-7033-75, इस नंबर पर कॉल कर इन पर दबाव बनाकर हमारी मदद करें। मैं नविता, जिला कटिहार, बिहार से इंडियाअनहर्ड के लिए।